आम लोगों के खास जज्बे को सम्मान करने की पहल। ऑफिसर्स चॉइस सलाम इंडिया अवार्ड के विजेता चुन लिए गए हैं। देश के कोने कोने से मिले सैकड़ों नामों में से अलग अलग कैटेगरीज में कुल 13 विजेताओं को अवार्ड के लिए चुना गया। इनमें से स्पेशल कैटेगरी का एक अवार्ड दिया गया है मुजफ्फरनगर के दुलहरा गांव के प्रधान संजीव बलियान को, जिन्होंने हाल ही में हुए दंगों के दौरान इंसानियत की मिसाल कायम की है। ये कहानी मुजफ्फरनगर के दूल्हेहारा गांव के जाबाज प्रधान संजीव कुमार बलियान की है। दूल्हेहारा गांव हाल ही में हुए दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित कुटबा और कुटाबा गांव के बीच में बसा है। 7,000 की आबादी वाले इस गांव में अल्पसंख्यकों की आबादी सिर्फ 10-15% ही है। कुटबा और कुटाबा में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए यहाँ के अल्पसंख्यक बेहद डरे हुए थे। संजीव कुमार ने पहल करते हुए गांव के करीब 700 अल्पसंख्यकों को जाटों के घरों में सुरक्षा दी और उनके खाने पीने और रहने की भी पूरी जिम्मेदारी उठाई। जब हालात और बेकाबू हुए तो संजीव ने उन्हें अपने खर्च पर दूर के गांवों तक सुरक्षित पहुंचाया। जब ये अल्पसंख्यक अपने घरों में नहीं थे तब उनके जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी संजीव ने जाट परिवारों को सौंप दी। जब हालात में सुधार हुआ तो संजीव ने उन्हें गांव वापस बुला लिया। ऑफिसर्स चॉइस सलाम इंडिया अवार्ड्स, सम्मान आम लोगों के खास जज्बे का।